इंडिया में जो क्लाइमेट सुटेबल चाहिए थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन के लिए वो इंडिया में अवेलेबल है. ठीक है. सो व्हाट हैपन व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो इट प्रोड्यूसेस अ अपराइजिंग विंड. इट प्रोड्यूसेस अ अपराइजिंग विंड. आई शोड यू डे बिफोर यस्टरडे व्हेन करेक्ट. ओके. नाउ जब यही हवा ये वाटर ड्रॉपलेट्स लेके ऊपर की तरफ जाती है वहां पे वो ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाता है. ठीक है. हाइट पे जाने से टेम्परेचर डाउन होने लगता है. हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं जब ऊपर जाते हैं हाइट पे हमें ठंड ज्यादा लगने लगती है. सो यहाँ पे जो हवा थी वो वेपर में प्रेजेंट थी एंड व्हेन इट गोज अप इट फ्रीजेस देयर एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. सो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वॉटर ड्रॉपलेट्स, जो वॉटर ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट हो रही है अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर, इट क्रिएट अ लाइटनिंग एंड साउंड देयर. वहां पे एक लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट करता है. दैट इज कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म. क्या बोलते हैं उसको? थंडरस्टॉर्म. ओके. सो व्हेन थंडरस्टॉर्म हैपन तो पहले आपको बिजली कड़कती हुई नजर आएगी एंड देन आपको आवाज सुनाई देगी. क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर दैन साउंड. सो पहले आपको दिखेगा और फिर आवाज सुनाई देगी. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट यू हैव टू फॉलो, व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. सी इफ यू आर समवेयर, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. मान लीजिए आप जंगल में हैं या वहीं पर हैं, आपको किसी अकेले पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना है. इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. किसी छोटे पेड़ के नीचे जा सकते हैं आप. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में लेटना नहीं है. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड. ठीक है. आप किसी मेटेलिक एंड के हैंडल वाले अम्ब्रेला को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट कैच. मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यू मे माइट गेट शॉक. सो वो अवॉइड करेंगे. डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास नहीं बैठना है. ओपन कैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड, दीज आर नॉट द सेफर प्लेसेस. ओके. A car or bus is a safe place. वहाँ पे हैं आप तो वहीं पर रहिए. And if you are in a water, get out of it. क्योंकि water is also a good conductor of electricity. Understood? Now how would thunderstorm become a cyclone? कैसे thunderstorm cyclone बन जाता है? देखिए. See, water को जब vapor में change करते हैं, it requires heat. When we heat water, it changes into vapor. That means we are providing energy to it. हम एनर्जी दे रहे हैं कुछ इन द फॉर्म ऑफ हीट. तभी तो वॉटर किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है. अगर यही वेपर ऊपर जाता है और जब फ्रीज होने लगता है तो क्या वो एनर्जी वापस आएगी? यस यस. बिकॉज एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो एनर्जी जो प्रोवाइड की थी वो ऊपर रिलीज भी होगी. समझ में आया? तो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन water takes up the heat from the atmosphere to change into vapor, and when these vapor changes back to liquid in the form of raindrop, this heat energy is released in the atmosphere again. Okay? Yehi heat energy release hogi. The heat released in the atmosphere, it warms the air around. Theek hai? Heat release hogi to charo taraf ke air ko kya kar degi? Warm kar degi. Now the air tends to rise and cause a drop. जो छोटे छोटे ड्रॉप प्रेजेंट होंगे उसको वो प्रेशर क्रिएट करेगी उसमें. ठीक है. द एयर इट राइजेस एंड इट क्या करेगी? इट कॉजेस अ प्रेशर ऑन अ ड्रॉप. जो भी वॉटर ड्रॉप है उसमें पे प्रेशर क्रिएट करेगी. सो मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. स्टॉर्म आंधी बनना शुरू हुई, मोर एयर रशेस टूवर्ड्स इट. इट मेक अ चेन लाइक समथिंग. चेन जैसा एक इवेंट बनता जाएगा, फॉर्मेशन बनता जाएगा. यहाँ पे विंड स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. विंड स्पीड ज्यादा होगी और बीच में मैंने आपको बताया था व्हेन विंड स्पीड इज हाई एयर प्रेशर इज लो. तो बीच में प्रेशर लो है, बगल में विंड स्पीड बहुत ज्यादा हाई है. सो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोन. इट इज रिवॉल्विंग हाई स्पीड में, रिवॉल्व करती रहेगी और बीच में प्रेशर कम होगा एंड दिस इज कॉल्ड अ साइक्लोन. क्या है ये? साइक्लोन. साइक्लोन डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स. याद रखेंगे, चार फैक्टर पे डिपेंड करता है. विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. दीज फोर थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. मन में आ गया सबको? यस. इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट साइक्लोन? तो सेंटर जो है बिल्कुल काम होता है, जो
डायमीटर है इसका ये 10 से 30, ये इसकी हाइट 10 टू 15 है, 10 टू 15 हाइट किलोमीटर इतना हाइट में होता है, और विड्थ में तो ये 10 टू 30 किलोमीटर तक हो जाता है, 30 किलोमीटर तक समझ में आ गया, ये विड्थ है इसकी प्रोडक्ट, 30 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है, इट इज अ रीजन विच इज फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स, यहाँ पे विंड्स लाइट होती है। नाउ अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देर इज अ क्लाउड रीजन, ठीक है, यहाँ पे एक क्लाउड रीजन होगा जो कि 150 किलोमीटर तक का साइज में हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वजह से हैवी रेनफॉल शुरू हो जाती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इससे अलग जब जाएंगे तो विंड स्पीड कम हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है साइक्लोन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको एक मॉडल शो किया हुआ है, देखिए पेज नंबर 88 फिगर 8.11 फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। सो सी हाइट दे रही है 15 किलोमीटर, ठीक है, विड्थ इसका 10 से 30 किलोमीटर तक जाता है, बगल में जो विंड स्पीड है बहुत ज्यादा हाई है, बीच में थोड़ा सा काम रहता है, दैट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, अंडरस्टूड। नाउ साइक्लोन भी एज अ अदर इट इज ऑल्सो वेरी डिवास्टेटिंग, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉप मैनी थिंग लाइक वट आर द डिस्ट्रक्शन विच इज कॉज बाय साइक्लोन, नाउ वी विल डिस्कस दैट। नाउ साइक्लोन कैन बी डिस्ट्रक्टिव बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड पुश टूवर्ड्स, बहुत तेज से हवा चलती है, इट पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर, पानी को शोर की तरफ लेके जाती है, किनारों की तरफ लेके जाती है, एंड इफ दिस स्टॉर्म इज 100 ऑफ किलोमीटर अवे, मतलब बहुत दूर भी होगी तो आ रही होगी, इंडिकेशन पता चल जाता है आजकल तो रडार से सैटेलाइट से सब पता चल जाता है। जो जो वाटर वेव्स है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, बाय द विंड, एंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैट, ठीक है, इतना पावरफुल होता है कि कोई भी पर्सन उसको ओवरकम नहीं कर सकता है। बीच में मैंने जैसे बताया प्रेशर क्या होता है, लो होता है, वाटर सरफेस की तरफ आने लगता है, और इतना ज्यादा ऊंचा होता है इट्स लाइक 3 to 12 मीटर अप वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि पानी की कोई दीवार खड़ी है, ठीक है, इतना ऊंचा ऊंचा ऐसा लगाता है। सो एज अ रिजल्ट सी वाटर एंटर द लो लाइन कोस्टल एरिया में एंटर कर जाता है, वहां पे फिर बहुत सारा लॉस हो जाता है, सीवियर लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सब कुछ खराब, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है वहां पे, कंटिन्यूस रेनफॉल होने लगता है, ठीक है। हाई स्पीड विंड अगर बहुत तेज से हवा भी चलती है तो वो भी तो नुकसान करते हैं, क्या क्या करेगा वो, हाउस को डैमेज करेगा, कम्युनिकेशन जो वायर्स लगी है उनको हैम्पर करेगा, ठीक है, सो इट कॉजेस अ ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ, ठीक है। साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हरिकेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड जापान में इसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर टॉर्नेडोस, तो था अबाउट साइक्लोन, देखिए टॉर्नेडोज के बारे में इतना आपके पास नहीं है बिकॉज टॉर्नेडोज हमारे इंडिया में बहुत कम इतना देखने को नहीं मिलता, टॉर्नेडोज दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन इंडिया, एंड इट्स शेप लाइक अ क्लाउड, क्लाउड का शेप जो कि फनल शेप में होगा, ऐसा सा समझ, ठीक है, ऐसा सा समझ होता है क्लाउड, ठीक है, द डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, फनल शेप क्लाउड दिखेगा आपको विच इज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, और इसका जो स्पीड होता है इट इज 300 किलोमीटर पर आवर, कितना होता है 300 किलोमीटर पर आवर, जरूरी नहीं है इतना ही हो पर इतना तक पहुंच जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये भी एज लाइक साइक्लोन ये भी बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है, अगर ये कहीं आ जाए तो पूरा का पूरा कोस्ट लाइन सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, पर इसके बारे में आपके पास ज्यादा नहीं है बिकॉज क्योंकि ये इंडिया में बहुत कम आता है, इधर रेयर है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ व्हाट आर द इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स यू विल टेक इफ साइक्लोन कम, क्या क्या करेंगे आप अगर साइक्लोन आ जाए तो, देखिए कोई भी डिजास्टर अगर आने वाला है सो आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, सो जो भी फॉरकास्ट
फॉरकास्ट और वार्निंग सर्विसेज है अगर आपको मिल गए तो आप एक रैपिड कम्युनिकेशन रखेंगे विद अदर पीपल। गवर्नमेंट एजेंसीज या पोर्ट गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती है, वो पोर्ट में काम करने वाले फिशरमैन सबको मना कर देती है कि वो वहां ना जाए, सी के किनारे ना जाए या सी में एंटर ना करे। गवर्नमेंट साइक्लोन शेल्टर्स बनाती है ताकि लोगों को अगर हटाया जाए तो वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इग्नोर दीज काइंड ऑफ वार्निंग विच इज गिवन बाय इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, टीवी रेडियो सबको सुनना है, जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, ड्राइव करना उस टाइम पे अवॉइड करना है कि कहीं ऐसे चले गए, फोटोज खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सो डोंट गो आउटसाइड इन द सेक ऑफ फन। ओके, कीप रेडी ऑल द फोन नंबर्स, इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। ओके, सम अदर प्रिकॉशन विच इफ यू कैन टेक इफ देर इज एन साइक्लोन इन हिट योर एरिया, सो वट आर द अदर प्रिकॉशन यू कैन टेक इज डू नॉट ड्रिंक वॉटर विच इज कंटामिनेटेड, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो ऑलरेडी सब कंटामिनेट हो गया, आपने कोई स्टोर कर रखा है तो उसको आप ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। स्विच वगैरह को टच नहीं करेंगे क्योंकि एक बाढ़ जैसी सिचुएशन हो रखी होगी तो ऑब्वियसली सब चीज वेट होगी, वायर लाइन्स फॉल हो सकती है, तो आप इन सब टच नहीं करेंगे। डू नॉट गो आउटसाइड फॉर द सेक ऑफ फन, मजे करने बाहर नहीं निकलना। रेस्क्यू टीम जो होती है उनको फोर्स नहीं करना कि हेल्प मी हेल्प मी, वो खुद करेंगे सबके लिए। और उसके साथ आपको कॉपरेट करना है, कॉपरेट एंड हेल्प योर फ्रेंड्स योर नेबर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। नाउ सी, देयर इज अ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर सोसाइटी, अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, पहले के टाइम में तो कोई डिजास्टर आने वाला होता था हमें पता नहीं चलता था, आता था कोई तैयारी नहीं होती थी और देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बट नाउ देयर आर सैटेलाइट, देयर आर रडार्स, और अगर आपका साइक्लोन आ रहा है तो आपको 48 आवर्स पहले पता चल जाता है, 24 आवर्स पहले पता चल जाता है, साइक्लोन की वार्निंग्स मिलती है, किस स्पीड में आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। और इन सब में जो है आपका बहुत सारे सिर्फ प्रॉपरली बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे कॉपरेट ईच अदर टू मॉनिटर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू डिजास्टर। डिजास्टर कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली साइक्लोन एंड टॉर्नेडो, कोई भी। अब क्योंकि सैटेलाइट है, रडार्स है, सब कुछ है, तो आपको ऑलरेडी पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है ताकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट किए जा सके।